सभी बहनों भाइयों को, विशेषकर बेटियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 9 दिन भक्तिभाव से भर के देवी माँ की पूजा की। आज 9वां दिन माँ सिद्धदात्री के रूप में सबको आशीर्वाद देती है। मैया के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और विशेषकर बेटियां, ये हमारे लिए देवी का रूप है। दुर्गा सप्त सती में माँ ने ही कहा है कि जगत की सब बेटियां स्त्रियां मेरा ही अंश हैं। तो ये देवी का रूप है और इसलिए हम सब बेटियों का सम्मान करें, आदर करें। जहाँ बेटियों और बहनों का मान और सम्मान रहता है, वहीं देवी माँ की कृपा बरसती है, बेटियाँ आगे बढ़ें और सब सुखी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। बेटियों को प्रणाम, क्योंकि मैं इन्हीं में देवियां देखता हूं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि बेटियों की पूजा करने का अवसर भी मिला और ऐसा लगा जैसे देवी माँ ने स्वयं भोजन किया हो बेटियों के रूप में। सबको शुभकामनाएं। सभी बहनों भाइयों को, विशेषकर बेटियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 9 दिन भक्तिभाव से भर के देवी माँ की पूजा की। आज 9वां दिन माँ सिद्धदात्री के रूप में सबको आशीर्वाद देती है। मैया के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और विशेषकर बेटियां, ये हमारे लिए देवी का रूप है। दुर्गा सप्त सती में माँ ने ही कहा है कि जगत की सब बेटियां स्त्रियां मेरा ही अंश हैं। तो ये देवी का रूप है और इसलिए हम सब बेटियों का सम्मान करें, आदर करें। जहाँ बेटियों और बहनों का मान और सम्मान रहता है, वहीं देवी माँ की कृपा बरसती है, बेटियाँ आगे बढ़ें और सब सुखी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। बेटियों को प्रणाम, क्योंकि मैं इन्हीं में देवियाँ देखता हूँ। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि बेटियों की पूजा करने का अवसर भी मिला और ऐसा लगा जैसे देवी माँ ने स्वयं भोजन किया हो बेटियों के रूप में। सबको शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, बहनों और भाइयों को नवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण देश श्रद्धा और भक्ति के भाव में डूबा था। 9 दिन तक हमने भक्ति भाव से भर के देवी माँ की पूजा की और आज माँ से यही प्रार्थना है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा सदैव करती रहे। देवी माँ की पूजा हमने बेटियों की पूजा करके की है। बेटियाँ देवी का ही रूप है। दुर्गा सप्त सती में माता कहती है कि समस्त बेटियाँ स्त्रियाँ मेरा ही अंश हैं। और इसलिए संपूर्ण देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि बेटी का आदर करें, सम्मान करें। कुछ घटनाएं आहत करती है मन को, उद्वेलित करती है और पूरा समाज हमारा शर्मसार हो जाता है। आज संकल्प लेने का समय है कि हम मन वचन कर्म से बेटियों की पूजा करेंगे, उनका आदर करेंगे, बहनों का सम्मान करेंगे,
समाज में उनको उचित स्थान देंगे। हमारे यहाँ कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भगवान वही निवास करते हैं जहाँ माँ बहन और बेटियों को मान सम्मान और इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। तो बेटी की केवल पूजा न करें, बेटियों का हृदय से संपूर्ण समाज सम्मान करें, क्यों यही तो हमारे लिए देवियाँ हैं। और आज जब बेटियों के साथ आरती की, देवी माँ की पूजा की, बेटियों की आरती उतारी, तो बेटियों की आरती उतारते समय मुझे और साधना को ही लग रहा था जैसे हम साक्षात देवी माँ की आरती कर रहे हों, और बेटियों को भोजन कराया तो लग रहा था जैसे साक्षात माँ ही भोजन कर रही हो। एक बार फिर सबको शुभकामनाएं, माँ को प्रणाम।